दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं दीपांशु वाजपेयी और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइडलाइन हब में। आज मैं जानकारी देने जा रहा हूं आपको ICTSM ट्रेड के बारे में। पूरी जानकारी आपको ए टू जेड देने की पूरी कोशिश करूंगा ICTSM ट्रेड के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटे वाले बटन दबा दीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों मैं देखता हूँ इस ICTSM ट्रेड के बारे में, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या है, इसमें क्या सिखाया जाएगा, क्या बताया जाएगा। तो ICTSM यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, जिसे हिंदी में कह सकता हूँ सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली रख रखाव, ठीक है। इस ट्रेड के अंतर्गत आपको सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की जानकारी दी जाएगी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ में आपको इलेक्ट्रीशियन व इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक जानकारी दी जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि यह ट्रेड एक मल्टी ट्रेड के रूप में संचालित की जाएगी, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस यानी ICTSM। जिसके लिए योग्यता निर्धारित की गई है वो 10वां पास 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। और इसके संचालन की बात करें तो NCVT यानी नेशनल काउंसलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा NCVT के द्वारा संचालन की जाती है और इसकी प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष की निर्धारित की गई है, जो कि बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है ये। इस ट्रेड से ITI करने के बाद आप जॉब कहाँ पाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है। तो इस ट्रेड से ITI करने के बाद में आप डाटा एंट्री की कोई भी जॉब पा सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की आराम से जॉब पा सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल की पूरी जानकारी यानी पूरा निचोड़ इसके अंतर्गत, इस ट्रेड के अंतर्गत भर दिया गया है। तो आप कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तथा इंटरनेट नेटवर्क असिस्टेंट के तौर पर आप जॉब पा सकते हैं, रेलवे में अथवा मेट्रो में, मेट्रो चाहे दिल्ली मेट्रो हो, लखनऊ मेट्रो हो, कानपुर मेट्रो हो जो कि बन रही है, किसी भी मेट्रो में आप आराम से जॉब पा जाएंगे और इसकी जॉब वैकेंसी भी निकलती है। DRDO और ISRO तथा अन्य विभागों में जहाँ पे जो है इस ट्रेड की मांग है और अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है। हाँ, ये जो कह सकते हैं कि संख्या इस ट्रेड की वैकेंसियों की थोड़ा सा कम जरूर होती है, लेकिन वैकेंसी निकलती है। तो दोस्तों बहुत ही कम शब्दों में समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ICTSM ट्रेड यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस यानी सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली रखरखाव ट्रेड आपके लिए सुटेबल नहीं है या आपको प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, तो इसी से संबंधित 2 और ट्रेडें हैं ITI की। सबसे पहली है कोपा ट्रेड यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, और दूसरी जो है वो CHNM कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस ट्रेड से भी ITI करके इसी क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं, जो कि IT सेक्टर की ट्रेड है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, वीडियो शॉर्ट में बताने के लिए बिल्कुल शॉर्ट करना पड़ गया है और आपको उम्मीद है कि आपको पसंद भी आ गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए सही है तो आप उसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल गाइडलाइन हब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।